नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकालवार। महाराष्ट्र टीवी 24 के हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। 27 तारीख को नागपुर में घोषित हुए मिनी लॉकडाउन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शराब दुकान शुरू रखने का निर्णय लिया था, मगर मीडिया में इस निर्णय पर सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी, जहां तक कि महापौर ने भी शराब दुकान शुरू रखने के निर्णय पर आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद रविवार को जिला प्रशासन ने दुकान शुरू रखने के निर्णय को वापस लेकर शहर की सभी शराब दुकानें फिर से बंद कर दी है। दो दिवसीय लॉकडाउन में शराब की दुकानों को छूट दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन के पहले ही दिन छूट का फायदा उठाते हुए लोगों ने शराब की दुकानों पर जमकर भीड़ लगाई। दुकानों में हुई इस अति को देखते हुए रात में जिलाधिकारी ने 28 फरवरी को शराब की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया। इसमें दुकानें तो बंद रहेगी, लेकिन होम डिलीवरी की छूट दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए वीकेंड के दो दिन शनिवार रविवार को अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सारी दुकानें प्रतिष्ठान कार्यालय बंद करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके साथ ही सभी होटल रेस्टोरेंट दुकानें बाजार भी बंद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश के साथ प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24।